ये दूसरे सांपों के मुकाबले बहुत छोटा और कम जहरीला होता है और बहुत सतर्क रहता है। ये अपनी फोक टंग के जरिए हवा में होने वाली हलचल से किसी भी मूवमेंट का पता लगा लेता है। एक इंडियन हेजहॉग। हेजहॉग भले ही छोटा और आधे किलो वजन वाला जानवर हो, लेकिन ये इतना फुर्तीला होता है कि आसानी से ग्लॉसी बेलीड रेसर को मारकर खा सकता है। सांप कोई खतरा नहीं लेना चाहता। अपने रेसर नाम के मुताबिक वो वहां से भाग लेता है। लेकिन इस इलाके में पाए जाने वाले एक दूसरे सांप की कहानी कुछ और ही है, जो थार के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है, सौ स्केल वाइपर। वाइपर को यह नाम इसलिए मिला क्योंकि जब यह गुस्से में आता है तो यह अपने स्केल्स आपस में रगड़ता है, जिससे सॉइंग साउंड निकलती है। यह साउंड दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले सांप की तरफ से किए जाने वाले सबसे तेज हमले की चेतावनी होती है। ऐसा जीव जिससे आप दूर ही रहना चाहेंगे। सौ स्केल वाइपर आमतौर पर लेट इवनिंग या रात में शिकार करता है, लेकिन आज ये दिन में बाहर निकला है। इसने रेत पर साइड वाइंडिंग या साइडवेज मूव करना शुरू कर दिया है। स्लो मोशन फुटेज देखने पर पता चलता है कि साइड वाइंडिंग करते हुए कभी भी इसकी बॉडी के सिर्फ दो पॉइंट्स ही रेत के कांटेक्ट में आते हैं। ये तेज गर्मी से बचने का एक कमाल का तरीका है। लेकिन अब सूरज और रेत दोनों ही बहुत ज्यादा गर्म हो चुके हैं। सौ स्केल वाइपर खतरनाक होता है और इंसानों से दूर ही रहता है। हमारे लिए यही अच्छा है, क्योंकि इसके काटने से शरीर में हीमोटॉक्सिक वेनम इंजेक्ट होता है, जो तेजी से मसल टिश्यू को ब्रेकडाउन करते हुए दर्दनाक मौत का कारण बनता है। वेस्टर्न थार बहुत बड़ा इलाका है और ईस्ट के मुकाबले बहुत ज्यादा बंजर भी। आमतौर पर डेजर्ट उन इलाकों को कहा जाता है जहां साल भर में 10 इंच से भी कम बारिश होती है। लेकिन एरिडिटी यानी ड्राइनेस के हिसाब से भी डेजर्ट्स को कैटेगराइज किया गया है। दूसरे शब्दों में ये वो जगह होती हैं जहां इवेपोरेशन रेट बहुत हाई होता है। इतने कम वेजिटेशन वाले इलाके में जो भी थोड़ा बहुत पानी जमा होता है वो तेजी से सूख भी जाता है। लेकिन थार में हमेशा से ऐसा नहीं था। लगभग 10,000 साल पहले हिमालयास से निकलने वाली बड़ी बड़ी नदियां यहां से होकर गुजरती थीं। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि सरस्वती नदी थार रेगिस्तान से होकर गुजरती थी। सरस्वती, इंडस और दूसरी नदियों के किनारे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के बड़े बड़े शहर बसे। लेकिन जैसे जैसे कॉन्टिनेंटल प्लेट धीरे धीरे ऊपर बढ़ती रही, ये नदियां या तो अपनी दिशा बदलती गईं या पूरी तरह से गायब हो गईं। और धीरे धीरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर भी वीरान होते गए। आज वेस्टर्न थार के इलाके में ही इंडिया पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर पड़ता है। घुसपैठियों से बचने के लिए इंडिया ने बॉर्डर पर फेंसिंग की हुई है। राजस्थान में जिसकी लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर तक है। इसकी सुरक्षा उन महिलाओं और पुरुषों के हाथ में है जो बॉर्डर को गार्ड करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स में काम करते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। बीएसएफ के जवान बहुत ही मुश्किल कंडीशंस में काम करते हैं। गर्मी के आते ही यहां हालात और चैलेंजिंग हो जाते हैं, और इन चैलेंजेस का सामना वो उन तरीकों से करते हैं जो पिछले हजारों सालों से नहीं बदले।
दुनिया में सिर्फ बीएसएफ के पास ही कैमल माउंटेड कैवेलरी रेजिमेंट है। ऊंट पर सवार इन सोल्जर्स के साथ शानदार हिस्ट्री जुड़ी हुई है, जिन्होंने अलाइड आर्मीज के साथ दोनों वर्ल्ड वॉर्स में हिस्सा लिया था। यह देखना अपने आप में कमाल है कि बीएसएफ बॉर्डर आउटपोस्ट्स में इन ऊंटों की जगह कितनी अहम है। लगभग 6 करोड़ साल से भी पहले ऊंटों के एंसेस्टर्स का साइज खरगोश के बराबर हुआ करता था। आज ये इवॉल्व होकर विशाल जानवर बन चुका है, जो लगभग 8 फीट लंबा और 700 किलो वजनी हो सकता है। और इस एवोल्यूशन के दौरान इसमें इतने ज्यादा फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए हैं कि ये एक्सट्रीम हीट में भी काफी लंबे समय तक बिना पानी के सर्वाइव कर जाता है, जैसे इसे खासकर रेगिस्तान के लिए ही बनाया गया हो। कुछ ही मिनटों के अंदर ऊंट 200 लीटर से भी ज्यादा पानी पी सकता है। लेकिन यहां इन्हें एक बार में सिर्फ 20 लीटर पानी दिया जाता है, जिसे ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर पी जाते हैं। इसके बाद ये घंटों बगैर पानी के चलते रहते हैं। दो सोल्जर्स और उनके किट का वजन 200 किलो से ज्यादा नहीं होता, लेकिन ऊंट 500 किलो से भी ज्यादा वजन लेकर इस रेगिस्तान में 6 घंटे तक चल सकते हैं। इनके लंबे पैरों की वजह से इनकी बॉडी तपती रेत से काफी ऊपर रहती है। इनके पैर किसी बड़े स्नो शू पैड्स जैसे होते हैं, जो कुशन जैसे मोटे और इंसुलेटेड होते हैं, यानी थार की ढीली रेतीली जमीन पर चलने के लिए परफेक्ट। इस मुश्किल इलाके में गश्त लगाने के लिए बीएसएफ को ऊंटों से काफी मदद मिलती है। ऊंट बीएसएफ का सबसे बड़ा साथी है, लेकिन साथ साथ 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी भी चलती है। तेज, बहुत तेज। थार रेगिस्तान में फैले हुए इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ज्यादातर हिस्से में सिर्फ रेत है। इंडस और सरस्वती जैसी नदियां हजारों साल पहले इस इलाके से गायब हो चुकी हैं। ऐसे जैसे इन नदियों का यहां कभी कोई नाम। कुछ ही दूर ईस्ट की तरफ जाने पर वो इलाका पड़ता है जो थोड़ा कम बंजर है, लेकिन वहां की जिंदगी भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। रेगिस्तान की सतह मिनरल से इतनी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होती है कि वहां पेड़ों का उगना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मुश्किल हो या आसान, पेड़ अपने बढ़ने का रास्ता तलाश कर ही लेते हैं। इनफैक्ट इस जमीन पर ऐसा पेड़ उगा है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ कहा जाता है। एनवायरमेंटलिस्ट और नेचुरलिस्ट प्रदीप कृष्ण रेगिस्तान के इस पेड़ पर रिसर्च कर रहे हैं। रेगिस्तान सिर्फ पानी की कमी की वजह से रहने के लिए मुश्किल जगह नहीं है, बल्कि यहाँ कई जगह आयरन, सॉल्ट, पोटेशियम जैसे मिनरल्स इतने ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं कि यहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। इंद्रोख नाम का एक पेड़ है जो मिनरल्स की वजह से सख्त बन चुके इस इलाके में अपने बीज को पेड़ बनाने की जिद पर अड़ जाता है। वो जानता है कि कई जगह उसका पेड़ बनकर बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए वो अपने रनर्स को अंडरग्राउंड फैलाता है और जिस जगह जमीन की सतह थोड़ी कम सख्त होती है वहां से पेड़ बनकर बाहर निकल आता है, जिससे नए पेड़ उगते हैं जो दरअसल उसके ही एक्सटेंशन होते हैं। इंद्रोक रेगिस्तान के ग्रेटेस्ट सर्वाइवर्स में से एक है। इसके रूट्स फैलकर खुद ब खुद इसके क्लोन्स तैयार कर देते हैं। ये अपने क्लोन से एक पूरा जंगल तैयार कर सकता है, लेकिन फिर भी रहता है एक ही पेड़। और आखिर में आपको मिलता है एक सुपर ऑर्गेनिज्म, एक जायंट ऑर्गेनिज्म। तो जब लोग पूछते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म क्या है, तो वो ब्लू वेल या सिकोया ट्री नहीं है, बल्कि क्लोनल फॉरेस्ट्स हैं जिनके साइज का कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। यहां के लोगों ने भी इस पेड़ की तरह मुश्किल हालात में रहने के लिए खुद को ढाल लिया है।